बाद पहला गड्ढा खोदिए, यहाँ पर नहीं मिला है बॉडी, और उसके बाद इससे आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे दूसरा गड्ढा खोदिए, उसमें भी नहीं मिला है, उसके बाद तीसरा गड्ढा। जब से ने प्रेमपति में फंस गए लोन, तब से हमरा के लेनी देनी प्यार तो सफल हो नहीं पाया, लेकिन दो धूर जमीन यहाँ पर मिल गई है। पिता भी रो रहे हैं, चार बच्चे हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चे का जाने का गम कितना है बाप के अंदर, यहाँ पर जीता जागता सबूत देख रहे हैं। अभी गंध भी यहाँ पर आ रहा है। दोनों के जब दो ग्राह मरा था, दोनों के मुंगा दिया रहा था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, केहू के ना देवे के चाहिए। एक ही गांव के प्रेमी प्रेमिका को प्यार का परवाना चढ़ा, मंजिल तो नहीं मिला लेकिन यहां पर दो धूर जमीन मिल गया। इसी को लेकर छपरा जिले के शाहजीतपुर थाना क्षेत्र के बंगाली पट्टी गांव में आए हुए हैं। यहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं जंगल झाड़ है यहां पर, और यहां पर लड़की वालों के द्वारा लड़के को मारने के बाद लाकर इसी नहर के किनारे गाड़ दिया गया था। ये देख सकते हैं पुलिस कल ही यहां पर आई थी, और उसके बाद पहला गड्ढा खोदिए, यहां पर नहीं मिला है बॉडी, और उसके बाद इससे आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे दूसरा गड्ढा खोदिए, उसमें भी नहीं मिला है, उसके बाद तीसरा गड्ढा खोदिए, तो उसके बाद जाकर लड़के की प्रेमी का बॉडी दो धूर जमीन में गड़ा हुआ मिला था। और यहाँ पर बताने वालों के हिसाब से जो लड़की थी लड़के से प्रेम करती थी, और लड़की द्वारा बोला गया लड़के के घर पे फोन करके उसके पेरेंट्स से कि मेरे घर वाले आपके लड़के को मारकर यहाँ पर गाड़ दिए हैं। उसके बाद मामला का उद्भेदन हुआ, पुलिस भी इसमें लगी, और उसके बाद बॉडी को बरामद कर ली। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी गंध भी यहाँ पर आ रहा है, यही जो सामने गड्ढा दिखाई दे रहा है इसी में बॉडी को गाड़ा गया था। देख सकते हैं रात में लाकर जंगल झाड़ एरिया है, चारों तरफ आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे उधर जंगल झाड़ पूरा यहाँ पर एरिया है, और यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर वो गांव है जिस गांव में दोनों प्रेमी प्रेमिका रहते थे। प्यार तो सफल हो नहीं पाया लेकिन दो धूर जमीन यहाँ पर मिल गया। लड़के के घर भी चलेंगे जिसकी बॉडी यहाँ पर लाकर गाड़ी हुई थी, और उस परिजनों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे आखिर में मामला क्या है। वैसे बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया था कि आपका लड़का मेरे लड़की को लेकर फरार हो चुका है, उसके बाद थाने में आवेदन भी लड़की के घर की तरफ से दिया गया था। उसके बाद लड़की द्वारा लड़के के घर पर फोन करके बताया गया कि पिताजी हम लोग भागे नहीं हैं, यहाँ पर मेरे घर वाले आपके लड़के को मार कर सुनसान जगह पर जो नहर के किनारे है जहाँ जंगल झाड़ है वहाँ पर ले जाकर गाड़ दिए है। उसके बाद ये लोग पुलिस प्रशासन के पास गए लड़के के प्रेमी के घर वाले, उसके बाद पुलिस प्रशासन उद्यन करते हुए यहां पर आई, दो तीन गड्ढा खोदते हुए तीसरे गड्ढे खोदने के बाद यहां पर बॉडी मिला हुआ है। और यहां पर देख सकते हैं चारों तरफ जिधर भी नजर जाएगा पूरा जंगल झाड़ एरिया है, पीछे भी देख सकते हैं सुनसान एरिया है, यही सुनसान एरिया को प्रेमिका के घर वाले चयनित कर यहीं पर लाकर दफना दिए थे। अब चलिए हम लोग लड़के के घर पर चलते हैं और उसके परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे उनके परिजनों में हाहाकार इस समय मचा हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में कल लोगों की भीड़ दोनों तरफ लगी हुई थी जब पुलिस बॉडी को ढूंढ रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पूरा लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी जब पुलिस बॉडी को यहाँ पर खोद रही थी। हमारे साथ बने रहिए, प्रेमी के घर चलेंगे और उसके परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं और मामले की तह तक भी जाने की कोशिश करेंगे। यही वो प्रेमी कुणाल सिंह का घर है, और यहाँ पर माँ बाप दोनों खड़े हैं और घर वाले भी इस समय उदास है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया गया है, जो बदबू आ रही थी तो डिस्ट्रिक्ट में छपरा सारण जिले में पोस्टमार्टम नहीं हुआ इसलिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। अभी बॉडी आने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से जो करना होगा माँ बाप यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं माँ बाप का प्यार भुलाकर आजकल के बच्चे जब लड़की के पीछे दौड़ते हैं तो कहां तक पहुंच जाते हैं माँ बाप, माहौल क्या हो जाता है घर का यहां पर देख सकते हैं। कहा भाई राहुल लड़का रहो चाचा जी, जी कई साल के रहला? 23 साल के। का करता लान? पढ़ाई करता लान? ड्राइवरी करता लान। ड्राइवरी पढ़ाई छोड़ देला लान? जी ट्रक के ड्राइवरी पढ़ाई ज्यादा ना करले लान। हां मैं ट्रक के ड्राइवर हो गेल हन, पटना में गाड़ी चलावत लान। हां ना कमात लान, लेकिन जब से ने प्रेमपति में फंस गेल हन तब से हमरा के लेनी देनी रहुओ परेशान होके लगा, परेशान होके लगा नहीं हरदम झगड़ा होके वो घर से पंचायत भी गई रहे जी। ना ना माने हम एकरा के अपना लड़की कंट्रोल करी, हम सारा गांव से कहनी ये भाई फलना के लड़की हेंगो हेंगो करती है, उसाजत नहीं खन अपना लड़की के मारत नहीं पीटत नहीं लेकिन कंट्रोल नहीं खन कर, लेकिन ये बात के केहू गौर ना करे। अब रउरे से कहें तो रउरा थोड़े कहे, कहें तो मारपीट होई, ऐसे डरे केहू ना कहे। ओकरा
भाई से कहनी, ओकरा चाचा से कहनी, ओकरा घर का जेठ सबसे है। माने रबू अपना लड़का के सुधारे के कोशिश कर ली, लड़का ना मानलू, लड़की के फेरा में गिर गई। लड़की माने 24 घंटा ओकरा फेरा में रहे लड़की। फोन मैं निकल के चलावत रहे जे लड़की। हां जे तने लड़की रबू लड़का से मिले खातिर रबू घर आ जाओ ना ओने का ये लोग। और रबू लड़का के ई अंजाम की गे देले बाड़ लो का भईया। हां लड़का बाजार गइल बा। लड़किया घूम के आ सुबह में हल्ला उठा दिल लड़की हमारे भाग गए। हाँ हमारे लड़का साथ है। हमने कहा कौन से भाई लड़की भाग गई, गाँव के लड़की है तैयत हो, एक ठीक बात नहीं है। एकरा के हम गांव का लोग से कहनी भाई एकरा के कहो जे मिल के हम के खोजल जाओ आ खोज के अकन के सजाए दिया ना। जब तक कि काल हमरा सुख का दिन के घटना सर, काल हमरा रिपोर्ट 11 बजे दिन में मिलल जे मने हेंगा हेंगा बात बा, तारा लड़िया के खपा देहल बा, खपा देहल बा। तो हम के बतैले रहे लड़की फोन करके बतैले रहे या का कौन माध्यम से पता चलल कि रउवा लड़िका के खपा दियल बा? हमार के हो रहे बताओ चिंता कराओ। हाँ 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 ये नाम रखा है हमारा सब चिंता रहे तो बताओ लोग। एक बाद में सर हम ये बात पर लोग विचार करे जी कैसे हो जाए, लेकिन फिर हमने मन नमल तो सब लड़का सियान हमने उठनी सौ तो कहलक आदमी जी अब तार लड़का दरियाओ में खपाओ ले बा कि नहर में खपाओ ले बा, कहाँ खपाओ ले बा से हमें मालूम नहीं है भाई। तार लड़का के खपा दिले बर हम तो हमने सब सवांग उठनी सौ जंगल में गईनी सब नहर पर आ लगनी से खोजे खोजत 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 देखनी से जे नया माटी होना हुआ है आ बारिश नहीं हुआ है तो माटी तो चिन्ह गए। तो हम आगे बढ़नी से तो एगो यहाँ खुना था आ एक वहाँ वो लड़कवा खेल रहा है उतना दूरी पर खुना था। तो हम बड़ा बाबू का फोन कैनी से बड़ा बाबू अलन, बड़ा बाबू आके देखलन, एक बाद सी ओ साहब का फोन कैलन, सी ओ साहब अलन, एक बाद छपरा से कौन ऑफिसर अलन एक जना देखिए नाम लिखे हमें बुझा पढ़ लिखल ना है सर। तो अलन तो अलन तक बाद लिखा पढ़ी होके लगल लिखा पढ़ी भैल, एक बाद बुझे जे उ लास्ट में हाथ लगल जो खुना है तो पहलका खुनाइल तो में कुछ ना रहे, इतना खुना गई खुनते खुनते हम तबाह से भाई कुछ ना भेटाइल भल जना फल से भाई। तो सब लोग पर मैंने ऑफिसर भी जाए रहे कर जोड़ लगे भगवान फल शेष करा के मेटा देस, लेकिन भोजन ना सर चले के देख जा हो जा। तो वहाँ गए से हमार तीन नंबर लड़का कुदारी लेके आ जैसे ऐसे किया कुदारी से तैले जंघा लौका तो वो चिल्ला रोने लगा पापा पापा कह के। तो सब लोग तो उसी जगह पर था, लाश बदबू बहुत देता था, नीमक देख कर और लहलाया था। लड़की अपना लड़का के बड़ी मना कैला रहनी है कि लड़की के पीछे मत दो। हाँ, हाँ, लाइफ बर्बाद हो जितो। हाँ, और तीन जना का कर लो लड़का दिल्ली रह दिल्ली दो जना घर वाल ये रहन दो जना घर है। हाँ, आई रहन एक प्यार में पड़ के ये रुक गई रहन। हाँ, आई रहन 10 दिन से। हाँ, घर तो आई जाए कामे बा घर बात। तो लड़की के घर वाला कहाँ बा एबेरा? अब सर पता नहीं है हमरा घर में केहू नहीं। ना घर में केहू नहीं सर, हम के नहर पर गेल बन से तो फरार हो गेल बन सर। फरार में एक आदमी शायद हमने कहा तो ना, लेकिन ऐसा हो जाए एक आदमी पकड़ाया जाकर बेला गांव में ना। इसके बाद में हम तो कल से छपरा थे, अभी आ रहे हैं। वो लड़का आया दिल्ली से हमारे बड़ा आला तो हमारा दशा देख कर कहा नहीं पापा आप जाइए घरे, हम अब आ गए हैं ना। तो वो लोग पटना गया, हम घर ही नहीं है सर, आके ही गिरल बनी। अब बड़ी के इंतजार करते हैं। हाँ बट बड्डी के इंतजार खूबे कर। हाँ जी पटना गई बा बबुआ के हमें बहुत बेहतरीन से मुँह होल बा लोग, वैसा दर्द केहू के ना देवे के चाहिए। दोनों 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 के जब दो ग्राह मरा था दोनों के मुँह दिया रहता। हाँ, तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, ये दोनों को मार दिया सला रोग आ गया, लेकिन सला एक रोग रख दिया एक को कैसे मार दिया। अब लड़की के लेके भी फरार, लड़की के लेके फरार।
यहाँ पर देख सकते हैं किसी लड़की के पीछे पड़ना कितना भारी पड़ सकता है। यहाँ पर पूरा गयमनीय पूरा परिवार हो चुका है, देख सकते हैं मातम इस घर में पड़ा हुआ है। माँ भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं, चार बच्चे हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चे का जाने का गम कितना है बाप के अंदर, यहाँ पर जीता जागता सबूत देख सकते हैं। आजकल के लड़के हैं जो माँ बाप का 20 साल का प्यार भूल जा रहे हैं और 2-4 साल के प्यार के पीछे पड़ जा रहे हैं, माँ बाप को बुलाकर अपनी जिंदगी वहाँ पर गवा दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ क्या कहते हैं सर, दो सर क्या कहें, चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।